A batsman hits make a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second if the mass of the ball is 0.15 kg determine the impulse imparted to the balls assume linear motion of the ball. चलिए दे रखा है आपको एक बॉल जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से बैट्समैन की ओर. बैट्समैन क्या कर रहा है वो बॉल को 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही बॉल को वापस भेज रहा है. आपको पूछा गया है इंपल्स क्या होगा, बॉल का मास भी दे रखा है. चलिए एक बात आप जान लो, जैसे कि एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो हमें पता ही है. चलिए मान लो मैं डी टी को सामने भेज दूं, एफ इंटू डी टी इक्वल टू डी पी माने चेंज इन मोमेंटम, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो तो ये टर्म जो आया एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन वो है इंपल्स, क्योंकि है चेंज इन मोमेंटम जितना ही, दोनों सेम ही है, सेम तरीके से ही निकाले जाते हैं. जैसे आपको एग्जाम में इंपल्स पूछा है तो आप ये मान के चलो कि आपको डिटेल सारी चेंज इन मोमेंटम की ही मिलेगी. जैसे आपने चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो आप मान के चलो डिटेल आपको इंपल्स की ही मिलेगी. जैसे कि यहाँ इंपल्स पूछा है, हमें स्पीड दे दी है और मास भी दे दिया है, मतलब हम चेंज इन मोमेंटम निकाल के इंपल्स निकाल लेंगे. हाँ, लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान रखनी है कि 1D में जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तब एक किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान ले और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान ले, क्योंकि भाई हम सवाल 1D में सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ आई कैप जे कैप के कैप तो कुछ आने वाला है नहीं, एक ही डायरेक्शन होगी. तो किसी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो तो अपोजिट डायरेक्शन आप नेगेटिव मान के चलो. चलिए मैं ये 12 मीटर पर सेकंड को पॉजिटिव मान लूं तो -12 मीटर पर सेकंड को मैं नेगेटिव मान लूं. अब हमें पूछा है इंपल्स तो मैं निकाल लूं चेंज इन मोमेंटम. चलिए चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम में मास इंटू फाइनल स्पीड माइनस मास इंटू इनिशियल स्पीड. जैसे कि मास तो दोनों ही केस में कॉमन है, निकाल लो बाहर. चलिए तो वी फाइनल हमें कुछ है हमारा ये -12 मीटर पर सेकंड, इनिशियल +12 मीटर पर सेकंड. चलिए तो वी फाइनल की जगह में रख दूँ -12 और ये माइनस को मैं ऐसे ही रख दूँ. अब +12 मीटर पर सेकंड, लेकिन प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा -12. चलिए मास भी हमें दे रखा था कुछ 0.15, ये हो जाएगा कुछ -24. अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये कुछ हो जाएगा 3.6, लेकिन -3.6 आएगा. चलिए तो ये जो -3.6 न्यूटन इंटू सेकंड, यूनिट कुछ ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड. आप यहां देख सकते हो फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन इंटू सेकंड. अब हमारा फाइनल आंसर अगर माइनस आ रहा है तो आपको अगर डिरेक्शन भी पूछ ले तो डिरेक्शन कुछ ये हो जाएगी, बैट्समैन वापस बॉल को जो भेज रहा है वो वाली डिरेक्शन हमारी फाइनल डायरेक्शन आ जाएगी. हमें कहां से पता चला, माइनस से, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन माइनस मान के चला है हम. चलो थैंक यू.